नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बेवकूफ हैं वो लोग जो कन्वर्जन के खेल में फंस जाते हैं, क्योंकि जिस नजर से या जिस तरीके से मैं देख रही हूं, मुझे तो यहां बहुत से लोगों की घर वापसी ही नजर आ रही है। जो समझदार लोग हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है, वो अपनी घर वापसी भी कर रहे हैं। वो अपने मूल धर्म सनातन धर्म को अपना रहे हैं। रूस से भारत आई एक महिला जिसका नाम इंगा था, उसने सनातन धर्म को अपना लिया है और इंगा से बन गई इंगा नंदमयी। बाबा विश्वनाथ का जो प्लेस है, जो स्थान है, जो शहर है, जिसे हम काशी भी कहते हैं, बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, वो अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। यहां पर आने वाला व्यक्ति अपने आप ही प्रभु के निकट हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका मूल, जो उसका धर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन है। यदि कोई ऐसा फील नहीं कर पाता तो समझ लीजिए कि आपके अंदर असुर विराजमान है। आपके अंदर देवताओं वाली या आपके अंदर सुरों वाली कोई भी छवि नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बाद, वहां की महिमा पहचानने के बाद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सनातन धर्म से इनकार कर दे। और ऐसा ही हुआ है। ये जो महिला है इंगा, इसने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ के, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद इसे ये महसूस हुआ कि ये किस जगह पर, किस धर्म के अंदर या किस पंथ के अंदर भटक रही थी। देश विदेश से यहां लोग सिर्फ और सिर्फ शांति और पूजा पाठ करने ही आते हैं। इस महिला ने उस शांति को पाने के लिए इसी धर्म को, इसी सनातन धर्म को अपनाना जरूरी समझा और इसने अपनाया भी। और काशी विश्वनाथ के, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद इसे ये महसूस हुआ कि ये किस जगह पर, किस धर्म के अंदर या किस पंथ के अंदर भटक रही थी। देश विदेश से यहां लोग सिर्फ और सिर्फ शांति और पूजा पाठ करने ही आते हैं। इस महिला ने उस शांति को पाने के लिए इसी धर्म को, इसी सनातन धर्म को अपनाना जरूरी समझा और इसने अपनाया भी। इस रूसी महिला ने अपने जन्म दिवस पर तंत्र विद्या की दीक्षा ली और सही रीति रिवाजों के साथ हिंदू परिधान पहनते हुए सनातन धर्म को अपनाया। ये जो महिला है ये मास्को की रहने वाली थी और ये कहती है कि जब से मैंने सनातन को अपनाया है, मुझे बड़ी ही शांति महसूस होती है, शांति का अनुभव होता है। इसी शांति को पाने के लिए दूर दूर से लोग भारत आते हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।